मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु की शांति हो। आज का हमारा जो वचन है वो है अफिसियों की पत्री उसका छठा भाग 18वीं आयत, जिसमें इस तरह से कहते हैं कि हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन के सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनंती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार का यत्न करते हुए सावधान रहो तथा संतों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का अद्भुत वचन हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जहाँ भी हम कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं, जहाँ भी लोगों की ज़रूरतें हमें पता होती है, हम सब जगह नहीं पहुँच पाते। हम हरेक को हमारी शक्ति के हिसाब से हेल्प नहीं कर पाते, हर एक के यहाँ नहीं पहुँच पाते। कई दूर देशों में जहाँ हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ हम नहीं पहुँच पाते। पर प्रार्थना के द्वारा हम पृथ्वी के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास बैठे, उसके सन्निधि में रहे, उसके साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर अवसर पर प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। पौलुस यहाँ कहते हैं कि यत्न करके प्रार्थना करो, केवल शब्दों से नहीं पर मन की गहराई से, आत्मा में पूरे विलीन हो के यत्न से, सही बोझ से लोगों के लिए प्रार्थना करो। हमारे लिए, लोगों के लिए, जहाँ ज़रूरत है उन सभी जगहों के लिए। आत्मा में जब हम रहते हैं तो आत्मा हमें सिखाता है कि प्रार्थना का मन हमें वो देता है। कई बातों की ज़रूरत होती है प्रार्थना करने की, पर कई समय हमें मन ही नहीं होता प्रार्थना करने का। जब हम आत्मा में रहेंगे, हमारा शरीर, हमारा जीव और हमारा मन प्रभु को समर्पित करके प्रभु के चरणों में बैठेंगे और आत्मा में रहेंगे, तब पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने का मन देगा और तब हम बैठ पाएंगे प्रार्थना करने के लिए। हम कमज़ोर है पर आत्मा हमें प्रार्थना करने का सामर्थ्य देगा। हमें पता नहीं होता कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है। केवल चंद टॉपिक हमारे पास होते हैं, पर परमेश्वर उन लोगों के लिए आत्मा में रह के हमें प्रार्थना करवाता है जिनको शायद हम नहीं जानते। पृथ्वी के कई कोनों में परमेश्वर का काम हो रहा है। कई प्रेरित, कई इवेंजेलिस्ट, कई ऐसे सेवक जो यातनाएं भोग के भी प्रभु का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, जो बीमारियों से पीड़ित है, जो लोग कई कठिनाइयों से टिके हुए हैं और प्रार्थना की उनको ज़रूरत है। आज जैसे चाइना या अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ पे क्रिश्चियन होना बहुत कठिन है। जैसे रशिया है, ऐसी जगहों पे रहना क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत कठिन है। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम ऐसे संतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में भी आज कितनी कठिनाई भोग के लोग वचनों को दे रहे हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं, सब जगह कठिनाई का सामना वो कर रहे हैं। हमें पता नहीं है किन किन लोगों के लिए, किस टॉपिक के लिए हमें प्रार्थना करनी है, किस व्यक्ति को हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। पर जब हम आत्मा में रहेंगे तो आत्मा हमें दिखाएगा कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है। वो हमें उस टॉपिक पे प्रार्थना करना सिखाएगा। परमेश्वर हमारे अंदर उसका प्रेम ऐसा बहने देगा कि हम सही बोझ से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। जिस लोगों को, जिस टॉपिक पे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उसका बोझ हम लेके हम आग्रह से प्रभु यीशु के चरणों में रह सकेंगे, परमेश्वर के पास उस चीज़ को मांग सकेंगे। हम याकूब को अगर देखते हैं तो याकूब जब पहली बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो केवल उसका एक ही एम था कि उसको जिंदा रखे, खाना पीना मिले और बस उसकी जीवन चालू रहे। पर जब दूसरी रात जब उसने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया, तब वो परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान चुका था। तब उसने क्या किया, उनके पैरों को पकड़ लिया और उनको कहा कि जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे तब तक मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। याकूब ने किस तरह से जिद करी कि जब तक उसको वो आशीष नहीं मिलेगी तब तक वो परमेश्वर को जाने नहीं देगा। हम भी परमेश्वर के चरणों में वो जिद लेके, वो बोझ लेके, वो हठ लेके परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमेशा काम करते हैं, हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमें देते हैं।
इब्राहिम के बारे में हम सोचे तो सदोम और गमोरा के लिए जब परमेश्वर ने उसके साथ शेयर करी कि सदोम और गमोरा का नाश होगा, तब इब्राहिम ने कितनी बारी उनको बार बार पूछा, बार बार उसने परमेश्वर से बात करी कि उसका बचाव हो जाए। आज हम भी प्रार्थना में बार बार रह सकते, जिसके लिए हमें बोझ है, जिसके लिए परमेश्वर हमें दिखाता है, जिस बात के लिए हमें आत्मा में रह के वो दर्शन होता है, उस बात के लिए हम परमेश्वर के चरणों में रह के एक जिद करके हम प्रार्थना करें। हम आत्मा में जब रहते हैं तो आत्मा हमें सिखाता है कि परमेश्वर किस तरह की, किन शब्दों से प्रार्थना चाहते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, परंतु आत्मा की गहराई से जब होती है तब परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। फरोसियों के जैसे नहीं, के हिपोक्रेट्स नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर अपने आप को बंद कर दे, एक कमरे में रखे और आग्रह से परमेश्वर की प्रार्थना करे। हम हमेशा घर पे नहीं होते, हम बाहर होते, कई बार हम सफर करते हैं। सब जगहों पे जब हम लंबा सफर करते हैं तो बड़ा ही अच्छा अवसर होता है, जब हमें और कुछ नहीं कर सकते तब हम प्रार्थना करें और उन सारे सेवकों को याद करें, उन सारे संतों को याद करें जिनकी हमारे प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर उनको वो हिम्मत दे, ऐसी कठिनाइयों में, ऐसे परीक्षणों में वो टिके रहे। परमेश्वर उनको धीरज दे, फल आने में जब समय लगता है, जब काम करने में बड़ा कठिनाई होती है, तो परमेश्वर संतों को वो धीरज दे। उनकी बहुत ज़रूरतें होती है क्योंकि वो रिमोट प्लेस पे होते हैं, उनके पास ना ही कुछ ठीक से चीज़ें होती है, ना ही कोई फैसिलिटी होती है। उनको फैमिली के साथ गए होते हैं और फैमिली भी तड़प रही होती है, तब उनकी ज़रूरतें पूरी हो, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जहाँ भी हो जाए, किन शब्दों से उनको प्रचार करना है, उन शब्दों के लिए हम प्रार्थना करें। पूरी सच्चाई से वो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का दास जहाँ भी जाए, पूरी सच्चाई से और पूरी हिम्मत से वो परमेश्वर का वचन दे पाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दास जहाँ भी अपना वचन देते हैं, उस जगह पे वो वचन फल लाए और अनेक गुना फल लाए, जिससे जहाँ भी वचन गया है उन सभी जगहों से 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, परमेश्वर जितना चाहता है उतना फल आए। एक प्रभु के सेवक हमारे घर आए थे तो उनका यही कहना था कि जब वो 2 दिन की सफ़र करके आए तो जब भी वो बस में, ट्रेन में बैठे तो उन्होंने प्रार्थना करी, और जब भी उन्होंने प्रार्थना करी तब उनको हर बारी परमेश्वर का दर्शन हुआ। परमेश्वर ने उनको नया दर्शन दिया, एक प्रकटीकरण दिया उनको। परमेश्वर ने हमेशा उस मुसाफरी के दौरान उनसे बात करी, उनको आगे का रास्ता दिखाया, उनको क्या ज़रूरत है फैमिलीज़ में, जहाँ जहाँ उनको जाना है उसका मार्ग दिखाया, आगे कैसे करना है वो सब कुछ उनको दिखाया। परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है, वो पत्थर नहीं। हमारे परमेश्वर को कान है, हमारे परमेश्वर में पावर है, हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारी हर प्रार्थना परमेश्वर ज़रूर सुनता है। आत्मा में रहे, परमेश्वर को आधीन हो के प्रार्थना करे, और हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। ऐ पिता, हमें वो मन दे कि हम पूरे ही विलीन हो के प्रभु आपके चरणों में रह के आत्मा से भर के आपके साथ प्रभु प्रार्थना करें। जिनको ज़रूरत है हमारी, जिनको प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, उन सारी बातों को प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। हम हमारे लिए नहीं परंतु आपके संतों के लिए ये कर पाए, आपकी आशीष दे प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।